अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की फिल्म, जो ट्रेलर से कुछ और मालूम पड़ रही थी लेकिन देखने के बाद कुछ और निकली। हाँ ये दोस्तों, जानते हैं कैसी है अजय देवगन द्वारा निर्देशित फिल्म रनवे 34। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया का खास कार्यक्रम फिल्मी संवाद। इस फिल्म में 7 साल बाद अजय देवगन और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने मेजर साहब, हिंदुस्तान की कसम, हम किसी से कम नहीं, खाकी और आग जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है। उत्सुकता पैदा करने के लिए निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन के चरित्र विवरण को गुप्त रखा था, लेकिन ऐसा करना फिल्म के लिए कितना कारगर साबित हुआ ये कहना मुश्किल होगा। 2019 में रिलीज हुई फिल्म दे दे प्यार दे के बाद अजय देवगन के साथ ये रकुल प्रीत की दूसरी फिल्म है। रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म में अजय देवगन के साथ उनकी सहायक पायलट की भूमिका निभाई। बात करते हैं फिल्म की कहानी। रनवे 34 फिल्म वैसे तो 2015 की एक रियल लाइफ फ्लाइट लैंडिंग इंसिडेंट की कहानी पर आधारित एक फिल्म है। ये फिल्म देखते वक्त आपको डेंजिल वॉशिंगटन की 2012 में रिलीज हुई फिल्म फ्लाइट एवं 2016 में रिलीज हुई टॉम हैंक्स की फिल्म सली का समन्वय देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इस फिल्म की कहानी को दो भाग में बांट देते हैं। प्रथम भाग फ्लाइट इंसिडेंट की कहानी, द्वितीय भाग फ्लाइट इंसिडेंट के बाद की कहानी। फिल्म के प्रथम भाग में आप देखेंगे खराब विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट को लैंड करवाने के लिए कड़ी मशक्कत करता हुआ फ्लाइट का कप्तान, अपनी जिंदगी की चिंता करते हुए 150 विमान यात्री, अपने कप्तान के निर्णय पर संदेह करती एक को पायलट और इन सारी घटनाओं के प्रत्यादर्शी बनते आप। इस फिल्म के इस भाग को आप काफी एंजॉय करेंगे। कप्तान विक्रांत खन्ना का किरदार आपको उस पर लगातार संदेह और विश्वास दोनों करवाता रहेगा। आप इस प्रथम भाग में कई बार अपनी सीट से खड़े होटेंगे और लगातार ये सोचेंगे कि क्या कप्तान विक्रांत खन्ना अपनी फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करवा सकेगा। अब बात कहानी के दूसरे भाग की। फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से फिल्म को एक कोर्टरूम ड्रामा में सीमित कर देता है, जहां फ्लाइट के कप्तान पर सवाल खड़े होते हैं और इन सारे सवालों की पैरवी करते नजर आते हैं अमिताभ बच्चन। जहां पहले भाग में कप्तान विक्रांत खन्ना एक हीरो दिखाई पड़ते हैं, वहीं दूसरे भाग में कप्तान विक्रांत खन्ना को विलन साबित करने की पूर्ण जोर कोशिश की जाती है। फिल्म का ये भाग काफी लोगों के लिए नीरस भी साबित हो सकता है। हालांकि फिल्म की कहानी एक पहले कभी ना देखा हुआ वाला अलग अनुभव देती है, लेकिन फिर भी कहानी कहीं ना कहीं दर्शकों पर अपना प्रतिभाव छोड़ने पर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती। बात करते हैं फिल्म के किरदारों। अजय देवगन का अभिनय काबिले तारीफ है और इस फिल्म में वो एक्सप्रेशन किंग की अपनी छवि को बरकरार रखते हैं। अमिताभ बच्चन का किरदार देखा और सुना हुआ महसूस होगा। पिंक और बदला से मेल खाता किरदार अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में निभाया है। फिल्म में अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह का किरदार सराहनीय है और रकुल प्रीत सिंह ने दो दिग्गज कलाकारों के होते हुए भी अपने मजबूत अभिनय की छाप छोड़ी। अन्य किरदारों में बोमन ईरानी का किरदार भी दमदार था, लेकिन कहीं ना कहीं कम स्क्रीन टाइमिंग की वजह से उनका ये किरदार यादगार साबित नहीं हो सका। अब बात फिल्म के तकनीकी पहलुओं की। फिल्म का निर्देशन किया है अजय देवगन ने। ये अजय देवगन की बतौर निर्देशक तीसरी फिल्म है। अजय देवगन ने 2008 में यू मी और हम बतौर निर्देशक पहली फिल्म बनाई थी। उसके बाद साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म शिवाय में उन्होंने अपना निर्देशन दिया था। रनवे 34 फिल्म का निर्देशन अच्छा है, लेकिन फिल्म पूरी तरह से एक अच्छी निर्देशित फिल्म की छाप छोड़ने में सफल नहीं हो सकी। अजय देवगन ने इस फिल्म के दो मुख्य स्तंभों की जिम्मेदारी अपने पुराने साथियों को दी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अजय देवगन के पुराने सहयोगी असीम बजाज द्वारा की गई है। असीम ने इससे पहले अजय देवगन की फिल्म जमीन, अतिथि, तुम कब जाओगे और सन ऑफ सरदार जैसी फिल्मों में अपनी सिनेमेटोग्राफी का कमाल दिखाया है। फिल्म की एडिटिंग की है धर्मेंद्र शर्मा ने। धर्मेंद्र इस फिल्म से पहले अजय देवगन की यू मी और हम, अतिथि तुम कब जाओगे, सन ऑफ सरदार, शिवाय, तानाजी और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों की एडिटिंग कर चुके हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग दोनों ही इस फिल्म के मजबूत पहलू साबित होते हैं। ये फिल्म देखें या ना देखें, अजय देवगन के अभिनय एवं फिल्म में दर्शाए गए फ्लाइट इंसिडेंट्स वाले सीक्वेंस के लिए ये फिल्म एक बार अवश्य देख सकते हैं। फिल्म अच्छी है, लेकिन यदि फिल्म के संवादों को अच्छे से लिखा गया होता तो ये फिल्म काफी अच्छी साबित हो सकती थी। आज के फिल्मी संवाद में बस इतना ही। ऐसे ही कई सारे फिल्मी संवादों के लिए देखते रहें वाइब्स ऑफ इंडिया।